हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी को अपने बच्चों को बनाकर खिलाते हैं तो बच्चों का वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा, बच्चों की बोन्स मजबूत होगी और बच्चों की इम्यून पावर भी बढ़ने लग जाएगी। और इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर लंच या डिनर में खिला सकते हैं। बहुत ही असरदार रेसिपी है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो फिर आइए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच गेहूं लिया है और मैंने इसे अच्छे से वॉश करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और आप देख सकते हैं अच्छे से ये फूल गया है। अब हम जो दूसरी चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं वो है चावल। तो 1 छोटा चम्मच चावल लिया है। चावल को भी मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था, जिससे कि ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। कुछ हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट में हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 खजूर, ये देखिए। 4 हमने यहाँ पर बादाम ली हैं, 8 से 10 किशमिश और 2 काजू। तो सभी ड्राई फ्रूट को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, जिससे कि ये अच्छे से फूल गए हैं। तो सबसे पहले हम बादाम का छिलका उतार लेंगे और खजूर के बीच वाला पार्ट निकाल कर इसे पतले और लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। और अब हम सभी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। इसके लिए मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसमें हम भीगा हुआ गेहूं और चावल ऐड कर देंगे। इसे हम पानी सहित ही डाल देंगे। तो ये देखिए, गेहूं चावल मैंने जार में डाल दिया है। अब इसमें हम भीगे हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, खजूर को मैंने इस तरह से पतले और लंबे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम डाल देंगे जार में और एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए, और एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसे हम पका लेंगे। इसके लिए गैस पर मैंने स्टील का बर्तन रख दिया है। और अब इसमें हमने ये जो गेहूं, चावल और ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाकर तैयार किया है, इसे हम बर्तन में डाल देंगे। दोस्तों, अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। इसी के साथ अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो 1 बड़ा ग्लास भरकर पानी हम बर्तन में डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। तो ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं, इसे पकाते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक बनाना लिया है, तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है आपके घर के छोटे बच्चों के लिए, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, छिलका मैंने हटा लिया है और अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो बनाना को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है और अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसमें हम बनाना के पीसेस ऐड कर देंगे और अब इसमें हम 2 से 3 छोटे चम्मच दूध मिला देंगे, जिससे कि इसे ग्राइंड करने में आसानी रहेगी। और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसकी एकदम स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बनाना की मैंने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है और अब ये फूड भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम बनाना प्यूरी को ऐड कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे मिला लिया है और ये हमारी हेल्दी और टेस्टी बेबी फूड रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो बस अब आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ये लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है आपके घर के छोटे बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन बेबी फूड रेसिपी। और इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर खिला सकते हैं।
साथ ही इस रेसिपी को आप सप्ताह में 2 से 3 बार बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और असरदार रेसिपी है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके बच्चों को टेस्ट में काफ़ी पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी टेस्टी बेबी फूड रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।